नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था फोटोशॉप और हम सीख रहे थे वहां मेन्यूज के बारे में, और मेन्यूज के एक ऑप्शन आज हम इमेज से कुछ इमेज साइज और इसके कुछ ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, इमेज में कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एक तो इमेज साइज, एक कन्वर्ट साइज और एक इमेज रेजुलेशन और ट्रिम और रिवर ऑल के बारे में हम सीखेंगे। इन तीन चार ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे कि बहुत जो कि बहुत जरूरी है आपकी इमेज जब प्रिंट होती है उसके लिए, और एक अच्छी सी प्रिंटिंग आपको प्राप्त हो उसके लिए इमेज साइज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह से आपकी वीडियो के नीचे आपके मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरह का जो लाल कलर का है सब्सक्राइब बटन आएगा, इस सब्सक्राइब बटन को इस तरह से आपको प्रेस करना है। वो प्रेस करते ही इस तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा, और सब्सक्राइब होने के बाद में क्या होगा कि बेल आइकन इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से दिखाई देगा, तो आपको इस पर इस तरह से प्रेस कर लेना है। इस तरह से प्रेस करते क्या होगा, ये बेल आइकन ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही आपको जो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो आपको लाइक्स दिख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस लाइक वाले बटन पर इस तरह से क्लिक करके आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और यहाँ पर यदि आप कमेंट डालना चाहते तो आप कमेंट्स वगैरह डाल सकते हैं। और यदि आपको वीडियो शेयर करना है तो यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपकी जो सोशल नेटवर्क साइट है वो आपको दिखाई देने लग जाएगी, और आप इन पर सोशल मीडिया नेटवर्क पर इन्हें छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फोटोशॉप पर और हम सीखते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए दोस्तों, ये मेरे सामने एक इमेज है, इसकी की साइज और साइज देना है वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से साइज दी जाती है इमेज को, और इमेज की साइज क्यों जरूरी है। तो पहले मैं ये बता दूं कि इमेज को साइज देना जरूरी क्यों होता है। एक्चुअली इमेज को साइज देना इसलिए जरूरी होता है, मान लीजिए आपकी जो इमेज आपने कैमरे से खींच ली, और कैमरे से खींचने के बाद में क्या होता है कि आप सीधा कभी कभार होता है कि आप प्रिंटिंग के लिए उसे दे देते हो, लेकिन आप स्टूडियोज को प्रिंटिंग के लिए देते हो वो तो अच्छी बात है, क्योंकि इन स्टूडियोज क्या करते हैं कि आपको साइज पूछ लेते हैं, पिक्स साइज आपको पूछ लेते हैं कि आपको किस साइज में इमेज निकलवानी है, 4:6 या 5:7। ज्यादा 4:6 और 5:7 चलती है, वेडिंग कार्ड वगैरह डिजाइन, सॉरी वेडिंग एल्बम वगैरह डिजाइन करते हैं उसमें 4:5:7 की हमेशा साइज चलती है। ये आपने सुना भी होगा, हर स्टूडियो आपसे पूछता भी है, यदि आप वो इमेज स्टूडियो में जाकर क्लिक करवा के आते हैं तो वो पूछता भी आपसे आपको 5:7 में इमेज निकलवानी है या 4:6 में आपको इमेज निकलवानी है। तो वहां पर जरूरी हो जाता है कि आपकी इमेज का साइज देना। यदि आपके पास खुद के पास प्रिंटर हो, डायरेक्ट उसे जाकर आप ये बोल देते हो या फिर आप डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए उसे निकाल देते हो, तो क्या होता है कि वो इमेज का जो भाग आधा भाग आ जाता है, आधा भाग कम आ जाता है, या फिर आधी इमेज ही आ पाती है, या फिर कम इमेज आ जाती है, बाकी का जो बैक साइड का बैकग्राउंड है वो पूरा नहीं आ पाता है। तो ये सारे कारण हो जाते हैं यदि आप इमेज को साइज नहीं देते हैं, साइज रिसाइज नहीं करते हैं। और कुछ ऐसी बातें भी है जो कि पासपोर्ट साइज के लिए इंपोर्टेंट, पासपोर्ट साइज जो फोटोज बनाएंगे उनके पासपोर्ट साइज के बीच में बॉर्डर्स देना, इन्हें सभी बातों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात के लिए दोस्तों माफी चाहूंगा कि आज थोड़ी आवाज जो है अच्छे से नहीं आ रही होगी, क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मेरा गला खराब है, तो थोड़ी आवाज अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो साइज और रिसाइज और जो अदर ऑप्शन है उनके बारे में सीखते हैं, और धीरे धीरे सारे ऑप्शन के बारे में मैं इस वीडियो में बताता जाऊंगा कि क्या है इन ऑप्शन के यूज एक साथ में। रुको, भी इतना याद नहीं रहता, जैसे जैसे ऑप्शन आएंगे वैसे मैं बता दूंगा। तो पहले जो है इमेज साइज, हम इसके बारे में देखेंगे। इमेज साइज पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके हमने एल्ट कंट्रोल और एल का भी आप यूज करिए, शॉर्टकट्स की ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, मुझे समझाना था इसलिए यहाँ पर आके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से आपके सामने इमेज की साइज आ जाएगी, और जो इसकी डिफॉल्ट साइज है जो कि किसी कैमरे से खींची हुई है या फिर किसी मोबाइल से खींची हुई है वो है विड्थ, जो इसकी देख रहे हैं 1920 यानी 1920 पिक्सल है, और जो हाइट है वो 1200 पिक्सल है, और जो यहाँ से जो डॉक्यूमेंट की साइज, मतलब इसके बैकग्राउंड की जो साइज है या फिर ये वाली जो साइज है वो दोनों सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स ज्यादा है। तो यहाँ पर विड्थ देख रहे होंगे, यहाँ पर हाइट देख रहे होंगे, यहाँ पर रेजुलेशन देख रहे होंगे। चलिए एक एक के बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पिक्सल कर देता हूँ, पिक्सल को आप पर इंच सॉरी परसेंटेज में कर दीजिए या पिक्सल में रहने दीजिए, और यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ 7 कर देता हूँ इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर 7 के साथ 4 आ रहा है तो मैं इसे 5 कर देता हूँ। तो 5 करते आप देखोगे ऊपर 8 हो गया, और ऊपर 7 करता हूं तो आप देखोगे क्योंकि नीचे 4 हो गया, क्योंकि आज जो इमेज है वो फिक्स रेजुलेशन के साथ बनती है, फिक्स रेशियो के साथ बनती है। एक्चुअली रेशियो क्या होता है, मतलब आपने जो साइज दी ना उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो, मान लीजिए आपने चौड़ाई दी उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो लंबाई हो जाती है वो बन जाती है, और जितनी आपने लंबाई दी उसके अकॉर्डिंग ही उसकी चौड़ाई बन जाती है। देखिए 4:75 किया मैंने और ऐसे क्लिक कर दिया, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने, सॉरी ये इमेज में थोड़ा सा इश्यू आपके सामने आ गया, थोड़ी इमेज की साइज जो है ज्यादा छोटी हो गई थी,
देखिए यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं थोड़ी सी साइज ज्यादा छोटी होगी, मैं कंट्रोल एल्ट जेड कर देता हूँ क्योंकि वो पिक्सल में बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है 5.7। तो यहाँ पर फाइल के बारे में वापस जाना है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके लिए सॉरी। आपको क्या करना है, फाइल में वापस जाना है, सॉरी इमेज में वापस जाना है, यहाँ से इमेज में वापस जाना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है या एल्ट कंट्रोल एल प्रेस करना है, और यहाँ से देखिए पिक्सल्स की जगह परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे इंचेज, यहाँ पर आप इसको ऊपर वाले को रहने दीजिए क्योंकि पिक्सल्स जो है ऊपर एमबी जो इसकी साइज आ रही है वो आ रही है, तो यहाँ से आपको चेंज करना है डॉक्यूमेंट साइज पर, आपको क्लिक करके चेंज करना है, और यहाँ पर पिक्सल्स की जगह आप इंचेज रहने दे, और मैं यहाँ पर मान लीजिए इसकी साइज 10 इंच कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक ही नीचे इसने कितनी ले ली, 6 जो हाइट ले ली, और ऊपर जो इमेज है वो 7 पिक्सल, 720 पिक्सल और 450 पिक्सल इसने जो है सेंड ले ली है। तो ये ऊपर वाली जो साइज आपके सामने आ रही है, ये वाली जो साइज वो आपके मोबाइल स्क्रीन की साइज आती है, आपने भी देखा होगा वीडियो की साइज 720 पिक्सल होती है, इस तरह से आपके सामने वो ऊपर वाली साइज आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं 7 ले लेता हूँ, और 7:4 की जो है ये इमेज आएगी आप, और इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से इसकी साइज जो पिक्स रेशियो में हुई है, तो आपने जो साइज दी, मान लीजिए मैंने 7 विड्थ इसकी साइज दी, तो जो इसकी चौड़ाई है वो 7 हो जानी चाहिए थी, मतलब 7 इंच हो जानी चाहिए, इस तरह से 7 इंच हो जानी चाहिए थी, लेकिन चौड़ाई के साथ साथ क्या हुआ कि इसकी पिक्स जो साइज है वो इधर वाली भी, सॉरी इधर वाली जो ये वाली साइज है ये भी चेंज हुई है। ये क्यों चेंज हुई, क्योंकि वो फिक्स रेशियो में चेंज होता है ताकि आपकी इमेज अच्छी लगे। यदि आप चाहते हैं, मान लीजिए देखिए समझा करिए, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर करना, सॉरी इमेज साइज पर करना है, और यहाँ पर देखिए जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वाली जो ये एक दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ से ज्वाइंट है, इसको आप अलग करोगे तो आपको क्या होगा कि ये जो रेशियो साइज है वो आपको नहीं आएगी, मेरा मतलब है कि आपकी जो रेशियो पिक्स रेशियो में नहीं जाएगी, जिस तरह से आप जो है इसे करोगे उसी तरह से ये होगी। तो उस तरह से जो आप देख सकते हैं कि इसे उठाकर जब आप देखेंगे तो आपके सामने क्या होगा, मान लीजिए यहां से मैंने विड्थ 7 कर दी, तो वो इमेज क्या होती है कि उसकी चौड़ाई जो है चिपक कर आ जाती है, अच्छे से लगती नहीं है वो, हमें अच्छी दिखती नहीं है। यहाँ पर जो इसकी स्केल स्टाइल्स है वो यहाँ पर आ जाती है, और जो इसकी जो अदर ऑप्शंस है वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे जो इसकी कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो उसको उस पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसके जो यहाँ से जो जुड़ी हुई थी लिंक के माध्यम से वो अब हट चुकी है। अब मान लीजिए इस इमेज की आपने 10 जो है साइज विड्थ दे दी, और इसे इंच को भी मान लीजिए आपने चेंज कर दिया, 5 चेंज कर दिया। अब देखिए ऊपर वाला ऑटोमेटिक चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने जो है उसकी लिंक को उठा दिया। अब आप जितना करोगे मन मर्जी कर सकती हो, और मान लीजिए मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, तो ये इमेज देखिए चौड़ाई तो है एक चिपकी हुई साइड में से दिखाई दे रही है, और आपको प्रिंट अच्छे से नहीं आ पाएगा, फिक्स रेशियो में नहीं आएगा, तो इस तरह से जो है आपकी इमेज बहुत ही खराब दिखाई देगी। देखिए जूम करके देख लीजिए, तो चौड़ी काफी हो गई लेकिन विड्थ में देखिए अच्छी नहीं लग रही है, तो इस तरह की साइज आप ना देखें क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती हो, ना ही आपकी प्रिंटिंग में जो है अच्छी आएगी, तो आप इस तरह की जो है साइज ना दे। सॉरी हम इमेज में फिर से चलते हैं, और इमेज में जाने के बाद यहाँ से एल्ट कंट्रोल एल प्रेस कीजिए आप, और मैं यहाँ से आपको जाकर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे, सॉरी एल्ट कंट्रोल एल नहीं था सर, वो एल्ट कंट्रोल आई था, उसके लिए सॉरी सॉरी बहुत ज्यादा सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, शायद एल होगा, अभी प्रेस करके देखेंगे, मैंने अच्छे से नहीं देखा। तो यहाँ से 720 पिक्सल हो गया, और उसके बाद में जो विड्थ और हाइट की बात होगी, और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक रहने दीजिएगा, अदरवाइज आपको जो चेंज करना है वहां से आप चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गई साइज की बात, और या रिसैम्पल साइज यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो साइज का जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं मोबाइल की साइज का जो, या फिर आपकी जो स्क्रीन साइज है वो हट जाएगी। तो ये स्केल स्टाइल से, स्केल स्टाइल्स का मतलब ये है कि आप स्केल के साइज में आपकी इमेज स्केल स्टाइल्स में आपको दिखाई देगी, तो ये इनका कोई खास यूज नहीं होता, आप इन पर क्लिक रखिए और ऑटोमेटिक रहने दीजिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे से सेट होती है ये, और यहाँ से पर इंचेज में रखिए। उसके बाद में जो एक चीज आ जाती है वो है रेजुलेशन। एक्चुअली रेजुलेशन क्या होता है, तो रेजुलेशन मान लीजिए आपको यदि कोई इमेज प्रिंट निकलवानी है, इमेज प्रिंट निकलवानी है, तो आपको कम से कम रेजुलेशन 300 रखना चाहिए, 300 या 300 ज्यादा रखना चाहिए ताकि आपकी इमेज बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे। वैसे मोबाइल स्क्रीन के लिए आप 72 रखिए, मतलब सब बेहतर रेजुलेशन इसका रखिए, तो बेहतर रेजुलेशन में क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पर इमेज काफी अच्छी दिखेगी, HD क्वालिटी में आएगी, लेकिन आप यदि प्रिंट निकलवाते हैं तो बेहतर रेजुलेशन में जो 72 रेजुलेशन में है आपकी इमेज अच्छे से नहीं आएगी, अच्छे से दिखाई नहीं देगी। तो इसके लिए आपको क्या होना होगा, इसका जो रेजुलेशन है वो 300 से ज्यादा रखना होगा या फिर 300 रखना होगा, तो 300 से ज्यादा आपको क्या है इसका रेजुलेशन रखना है ताकि आपकी इमेज जो प्रिंट होकर आए वो अच्छे से आए, इस तरह से। तो 300 आपने दे दिया, और 300 से ज्यादा दे दिया, पर 300 से कम या इससे
300 से कम ना देता कि आपकी इमेज अच्छे से निकल कर आए। तो ये था रेजुलेशन के बारे में। और इस रेजुलेशन के बारे में जो हमारा सेकंड अध्याय चला था, जो फोटोशॉप की प्लेलिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको सेकंड अध्याय जो आपको मिल जाएगा, सेकंड पार्ट जो है आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने बताया था जब न्यू फाइल ओपन करना सिखाया था तब। तो अभी ओके कर दीजिए और ओके करते इस तरह से देखिए थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि ये जूम थी, मैंने आपको जूम करके समझाया था। तो इस तरह से जो साइज आ जाएगी, इस तरह से इमेज, ये वाली इमेज इस तरह से जो है आपकी फिक्स रेजोल्यूशन में आ गई। वो एक्चुअली जूम क्यों हुई, क्योंकि वो प्रिंटिंग के लिए एचडी आ चुकी थी, प्रिंटिंग के लिए अच्छी एचडी इमेज आ चुकी थी। तो चलिए अब कंट्रोल एन फ्रेस करके न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ से कस्टम है तो हम इसकी साइज जो है फोटो साइज कर लेते हैं। और यहाँ से क्या क्या सेट करना है उसका सेकंड अध्याय में मैंने बता दिया था। न्यू फाइल ओपन करते समय हमें क्या क्या जानकारियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या बातें को ध्यान में रखना चाहिए। और एड्रेस की जो है मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ इस तरह से, और इस तरह से मेरे पास सामने एक इमेज आ गई। और इस पर मान लीजिए सिंपली मूव टूल की यूज करके, आप वो मूव टूल का यूज करके और यहाँ पर क्या करना है, इस पर इस इमेज को लाकर रख देना है। वो ज्यादा साइज है, कंट्रोल टी करके इसको रिसाइज कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस कर दीजिए ताकि अच्छे से रिसाइज करने में आसानी हो हमें। इस तरह से कंट्रोल प्लस कर दीजिए, ये देखिए इस तरह से जो हमारी साइज थी वो इमेज की साइज इस तरह से आ चुकी है। और इसको हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। और एंटर करने के बाद अब क्या करना है, इस तरह से फाइल जो है इसके ऊपर सेट होगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको लाकर सेट कर देता हूँ। अब जो इसका जो बैकग्राउंड का एरिया है उसको हम साइज ज्यादा रिसाइज जो साइज करना है इसको, इसके साइज को जो है पीछे की साइज को जो है चेंज करना होता है, तो उसके लिए हम कन्वेंस का यूज करते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में। यहाँ से आप देखेंगे कन्वेंस को यूज कंट्रोल एल्ट सी से भी कर सकते, सॉरी एल्ट कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, एल्ट कंट्रोल सी। और यहां से जैसे आप ओपन करोगे इस तरह से आपके सामने आएगा। तो ये जो सीन जो निशान आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपकी जो इमेज का जो बैकग्राउंड है वो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो यहाँ से आपको करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ और यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो अदर कलर का रखिए, क्योंकि यदि आपने सेम व्हाइट रखा तो आपको दिखाई नहीं देगा कितना बड़ा है कितना कम हुआ। देखिए मैं दिखा देता हूँ इस तरह से, देखिए चौड़ाई बड़ी लेकिन कितनी बड़ी वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो आपका जो बड़ी या गठी वो डिजाइन थी वो भी आपको सेम कलर में ही थी, व्हाइट में ही थी। तो चलिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, एल्ट कंट्रोल और सी फ्रेस करते हैं और वापस कन्वेंस पर चले जाते हैं। और कन्वेंस पे जाने 10 है और मान लीजिए मैं 10 को कितना करता हूँ, यहाँ पर 7 कर देता हूँ और हाइट जो इसकी 8 रहने देता हूँ। अब जैसे ही इसकी साइज जो है कम ज्यादा होगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट की साइज से जो है, आपके डॉक्यूमेंट की जो साइज है वो उसको कम ज्यादा करता है। और जैसे ही मैं ओके फ्रेस करता हूँ और यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है प्रेडिक्ट पर, और इस तरह से देखिए इसकी साइज जो है लंबाई में जो है कम हो चुकी है, चौड़ाई में कम हो चुकी है, लंबाई में कम हो चुकी है। अब दूसरी बात याद आती है कि आपकी जो मैंने अभी ग्रीन कलर का जो इफेक्ट बताया है वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ से मैं इसकी साइज मान लीजिए 10 कर देता हूँ और अब आपको क्या करना होगा, कोई भी हाइट ये मान लीजिए रहने देती हूँ। और अब जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड ग्रीन कलर आ गया। तो ये ग्रीन कलर इसलिए आया कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है ना वो साइज, उस डॉक्यूमेंट का साइज कितना बड़ा है, वो साइज एक्चुअली बढ़कर दिखा नहीं रहा है लेकिन वो साइज उसका बढ़ चुका है, वो साइज बढ़ा हुआ, कितना साइज बढ़ा हुआ है वो आपको ये बता रहा है। तो इस बार आप समझ गए होंगे अच्छे से ग्रीन कलर क्यों लिया है मैंने आपको। अब व्हाइट रहता तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि कितना जो इस डॉक्यूमेंट की साइज बड़ी है कितना घटी है, इस तरह से इसलिए ग्रीन कलर का यूज है, क्योंकि व्हाइट व्हाइट में मिल जाता वो अच्छे से दिखाई नहीं था। और यहाँ से जो रिलेटिव का आपको यूज करना है वो होता है कि आपने पासपोर्ट साइज फोटो बना ली, तो पासपोर्ट साइज फोटो का जो बैकग्राउंड आप देखेंगे चारों तरफ का बैकग्राउंड है, वहां से आपको कोई एरिया कट करना है, ज्यादा करना है, कम करना है वहां के लिए, या फिर आपके बीच में से जो बॉर्डर वगैरह देते हैं उसके लिए इसका यूज होता है। देखिए मान लीजिए इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप 5 पिक्सल ले लीजिए और हाइट मान लीजिए 3 पिक्सल ले लेते हैं और ओके प्रेस करके देखते हैं। तो इसका जो एरिया है वो पीछे की तरफ से थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि अभी साइज से थोड़ा सा इसे ज्यादा चाहिए था। ये तो होगी पासपोर्ट साइज फोटो से बनाते समय कुछ सावधानी है, जब पासपोर्ट साइज का जो एडवांस सीरीज चलेगी उसमें और बताऊंगा, तो वहां से आप इस ऑप्शन के बारे में बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अब कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं और इसको जो कंट्रोल एल्ट की सहायता से है, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस आपको क्या करना है, अब आपको मूव करते हुए लेकर चलना है या फिर कंट्रोल जे प्रेस करते हुए आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल एल्ट जे आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपका जो माउस है अब कंट्रोल एल्ट को प्रेस करके रखा हुआ हूं मैं, और इस तरह से आपके माउस का देखिए अब ये इस तरह का जो मूव टूल का निशान है ये है, और अब जैसे ही कंट्रोल एल्ट दबाओगे इस तरह से आ गया, तो आप चाहे जितनी कॉपी है इस तरह से कर सकते हो। तो ये सारी जो कॉपी आ गई वो आपके सामने आ गई और इस तरह से न्यू लेयर्स बनती हुई चल रही है इधर। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, इमेज पे जाएंगे और यहाँ पर ट्रिम
ट्रिम का क्या अर्थ होता है? एक्चुअली ट्रिम का अर्थ ही हो यह होता है कि काट छाट करना। तो काट छाट किस तरह से करते हैं देखिए मैं बता देता हूँ आपको। और सॉरी पहले मैंने इसको ओके कर लिया, कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं। और ये मान लीजिए ये वाली इमेज कंट्रोल टी प्रेस करके साइज रिसाइज ले लेते हैं। इतनी सारी इमेज है जो हमें पूरे में एडजस्ट नहीं हो रही, तो इसकी जो फालतू का बैकग्राउंड है हम उसे कट कर देते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे इसका जो बैकग्राउंड, चलिए थोड़ा सा हाथ ले लेता हूँ ताकि आपको कटा हुआ दिखाई दे। और ये वाली जो सेकेंड इमेज है उसको भी मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ इस तरह से। इसको एंटर कर दीजिए, उसके बाद में जो नेक्स्ट इमेज है वो यहाँ पर ले आते हैं और कंट्रोल एल्ट सॉरी कंट्रोल टी के माध्यम से इसको भी थोड़ा सा साइज रिसाइज दे देते हैं। और इसका जो इस तरह से हाथ है थोड़ा सा अंदर की तरफ दे देते हैं इस तरह से। और इस तरह से आ गया। अब जो इसको एडजस्ट कर देगा ये मतलब आपकी इमेज जितनी बाहर निकली हुई उसको कट कर देगा, अभी तक जो है कटी नहीं है वो, तो आपकी साइज को जो है कट कर देगा। उसके लिए क्या करना है, इमेज पर जाना है, टीम पर क्लिक कर देना है। ये पासपोर्ट साइज वगैरह फोटो बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स की फोटो पिक्चर्स बनाते हैं, तो वहां पर एडजस्ट नहीं होता है, तो एक एडजस्टमेंट साइज देने के लिए इसका यूज होता है। और जैसे आप के देखिए चारों तरफ से कट होगा ये, यहाँ पर जो है आप एरोज वगैरह को उठाकर भी देख सकते हैं। और ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे जो इसका हिस्सा है जो बाहर निकला हुआ था वो कट चुका है, ये देखिए। और यदि इसमें आपको समझ में आए तो इसमें आप इस इमेज में आप देखिए अच्छे से आपको दिखाई देगा इस तरह से। देखिए इसका हाथ जो है कट चुका है क्योंकि उसमें तो आपको बैकग्राउंड था तो आप पता नहीं चल पाया। और इस तरह से देखिए जो बाहर निकली हुई इमेज की हाइट्स वगैरह है वो कट करने के लिए देता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटल या ग्राफिक कार्य में इन ऑप्शंस का ज्यादा यूज होता है, तो उसके लिए काफी बेहतर है। तो उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये मत समझिए कि नॉर्मल अध्याय चल रहा है, हर एक एक अध्याय जो है इम्पोर्टेंट है, कड़ी से कड़ी हुई कड़ी एक एक अध्याय की जुड़ी हुई है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ये मान लीजिए इमेज पर गए और रिवर सॉरी रिवल आल, तो मान लीजिए वो वाली एक बार इमेज में फिर से लेकर आता हूँ और इसको जो है मूव करके यहाँ पर लेकर आ जाते हैं और इसकी फिर से साइज देते हैं। कंट्रोल टी फ्रेस कीजिए और साइज दे फटाफट से, मैंने उसे अट्ठा दिया, ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। और इस तरह से मान लीजिए ये वाली इमेज आ गई और इसको एंटर कर दीजिए और इसको थोड़ा सा जूम करके हम देख लेते हैं किस तरह से इसकी जो है साइज वगैरह इस तरह से। और अब क्या करना है, मैं इसकी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एल्ट प्रेस करते हैं और इस तरह से मूव टूल को बाहर उठाकर इसको यहाँ से घसीट कर लेकर आ जाते हैं। अब आपके सामने ये इमेजेज आपके सामने बनकर आ चुकी है। अब क्या करना है, मान लीजिए ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज अब डॉक्यूमेंटल कार्य करते हैं तो कई बार जो है एकदम से जो हमारा माउस वगैरह है वो हिल जाता है और इमेज इस तरह से बाहर चली जाती है। तो अब देखिए इस तरह से आपकी इमेज कई बार क्या होता है बाहर चली जाती है। देखिए इमेज बाहर चली गई और यहाँ पर लेयर्स तो बनी हुई है लेकिन वो इमेज है नहीं, तो हम उस इमेज को कैसे लाए यार, कोई क्लिक करने का कोई रास्ता नहीं है, कुछ है नहीं, ये इमेज आना नहीं चाहती, तो ऐसे हमें हम क्या लेकर आए, क्योंकि इमेज जो लेयर्स होती है उस समय लॉक होती है या फिर आपकी जो इमेज है वो लेयर के माध्यम से भी नहीं आ पाती है कभी कभार, तो अब उसको कैसे लेकर आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स का ऑप्शन का यूज करते हैं, यहाँ पर जाएंगे और रिवर्स ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इमेज वापस आ चुकी है, थोड़ा सा इसका एरिया बढ़ाकर वापस आ जाता है। तो चलिए ये ऑप्शंस के बारे में मैंने को आपको इसमें सिखाना था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, यदि कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अभी भी कोई समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में तो ये अध्याय में फिर से बना दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटिव था ये अध्याय, थोड़ा सा हार्ड था, मुझे भी लग रहा था कि आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे क्योंकि इसमें मैं एग्जाम्पल आपको अच्छे से नहीं दे पाया। और तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो समझ में नहीं तो दोबारा जरूर देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ साथ में आप इसके प्रैक्टिस करते हुए चलने, वरना नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि ग्राफिकल कार्य है और ग्राफिकल कार्यों में थोड़ा जोर आता ही हमें बैनर वगैरह बनाने के, क्योंकि इसमें कमाई है, बंदा ऐसे नहीं बनता है, तो आपको ग्राफिकल कार्य में थोड़ी सी जोर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।